हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू क्रिएशन। आज मैं आपको ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाला एक बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनाना बताऊंगी, और इसे बनाना बहुत ही इजी है। इसे बनाने के लिए आप 10 के मल्टीपल में फंदे लेंगे। यहाँ पे मैंने 30 फंदे लिए हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 30 फंदे लिए हैं, तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम ये दो सलाइयाँ उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये पहली सलाई है, इसे हमें पूरा उल्टा बुन लेना है, और जब हम इस साइड आएंगे तो वो सलाई भी हमें पूरा उल्टा बुनना है। तो ये दो सलाई हम पहले उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लें। ये दो सलाइयाँ उल्टा उल्टा मैंने बुन लिया है। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे, तो देखिए इसे हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। अब हम ये पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे 8 फंदे बुनने हैं। तो देखिए हमें फंदे किस तरह से बुनने हैं। ये एक बार, दो बार, ये तीन बार हमें इसे घुमाते हुए बुनना है। तो ये हमारा एक फंदा बुन गया। फिर दूसरा फंदा भी इसी तरह से बुनेंगे, एक, दो, तीन। तो ये हमने दो फंदे बुन लिए। इसी तरह से 8 फंदे बुनने हैं। ये 8 फंदे बुन लिए। उसके बाद हमें दो फंदे स्लिप करने हैं, फिर हमें 8 फंदे इसी तरह से बुनने हैं। फिर ये दो फंदे स्लिप करने हैं, और फिर हमें 8 फंदे इसी तरह से बुनने हैं, और लास्ट में एक फंदा बिना बुने उतार लेना है। ये सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई है। अब ये चौथी सिलाई है, इसमें देखिए हमें ये एक फंदा स्लिप करना है और ये सारे फंदों को हमें खोल लेना है। देखिए हम स्लिप कर लें और फिर इसे हम खोल लेंगे। आठ फंदे ये खोल लेने के बाद हम ये पीछे वाले 4 फंदे इस सिलाई पर लाएंगे हम। तो देखिए इसे इस तरह से करना है। और फिर ये चारों फंदों को भी हम इस सिलाई पर ले लें। अब हमें इन्हें बुनना है। तो देखिए ये हम 8 फंदे सीधे बुनेंगे।
चार फंदे सीधे बुन लिए। अब इन चारों फंदों को भी सीधा बुनना है। अब इस तरह से इसे हम खींच लें और फिर ये दो फंदों को हमें स्लिप करना है और फिर से इन आठ फंदों को खोल लेना है। और फिर ये पीछे के चार फंदे हमें इस सिलाई पर लेने हैं और इसे भी हम इस सिलाई पर ले लें और इन फंदों को सीधा बुन लें। फिर से ये दो फंदे स्लिप करके यही डिज़ाइन हम यहाँ भी बना लें। ये सलाई मैंने बुन ली है। अब इस सलाई में हम ये फिर से ग्रीन कलर से दो सलाइयाँ उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये सलाई भी हमें उल्टा बुनना है और इसके बाद हम जब नेक्स्ट सलाई में आएंगे तब भी हम उसे उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ हम दो सलाइयाँ उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लें। ये दो सलाइयाँ मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें वापस से यही डिज़ाइन रिपीट करना है। ये चार सिलाइयों में बनने वाला डिज़ाइन है और देखिए बहुत आसानी से बन भी जाता है। तो ये देखिए हम ये एक फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद हम येलो कलर से तीन फंदे बुनेंगे। तो तीन फंदे हमें किस तरह से बुनने हैं, ये इस तरह से घुमाते हुए हम तीन फंदे बुनेंगे। इसके पहले हमने आठ फंदे बुने थे, इस सिलाई में हम तीन फंदे बुनेंगे। ये तीन फंदे बुनने के बाद ये दो फंदे हम स्लिप करेंगे। फिर हमें यहाँ पे आठ फंदे इसी तरह से घुमाते हुए बुनना है। ये आठ फंदे बुन लेने के बाद फिर से हमें ये दो फंदा स्लिप करना है और फिर से आठ फंदे इसी तरह से बुनने हैं और फिर दो फंदा स्लिप करना है, फिर तीन फंदे इस तरह से बुनने हैं और फिर लास्ट में हम एक फंदा स्लिप करेंगे। तो ये सिलाई हम बनाकर कंप्लीट कर लें। ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इस सिलाई में हम यहाँ पे सारे फंदे खोलेंगे। तो ये एक फंदा हम स्लिप कर लें और फिर ये तीन फंदे हम खोल लें। तीन फंदे खोलने के बाद हम इन तीनों फंदों को एक साथ बुन लें। और फिर देखिए ऊन को अपनी तरफ करके इसे एक बार और बुन लें। तो देखिए ये वापस से तीन फंदे बन गए और फिर ये दो फंदे स्लिप कर लें और इन फंदों को खोलकर हमने जैसे नीचे बनाया था वैसे ही बनाए। यहाँ तीन फंदे इसलिए हमने ऐसे बनाए क्योंकि हमारा ये डिज़ाइन आठ फंदों का है, तो ये तीन फंदे हमने इस तरह से बना लिए।
और फिर ये चार फंदे हम आगे कर लें और इसको भी हम इस सलाई पर ले करके ये आठ फंदे हम सीधा सीधा बुन लें। अब यहाँ पे हम दो सलाइयाँ उल्टा उल्टा बुन लें। ये दो सलाइयाँ मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया है, डिजाइन बनाया था वही चीज़ रिपीट करेंगे। तो यही आठ सलाइयाँ हमें बार बार रिपीट करनी है। तो इसमें मैं थोड़ा सा और आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने बना लिया है और ये डिज़ाइन देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और आपने देखा कि ये बहुत जल्दी बन जाने वाला डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।